dignitaries at the dais and my friends here. First and foremost, thank you very much for sparing your time, particularly on this very rainy and wet evening. I mean, it is the way we face the rains outside, it's really, we are really thankful for you for sparing the time. The Asian Cancer Institute is basically an institute, it's a socio-economic venture, which was actually conceived, it was planned and executed by a group of professionals, that is the doctors, who specialize in the treatment of cancer. This is a large group, almost over 40 doctors, who were from leading cancer institutes to a large extent from the Tata Memorial Hospital of Mumbai. Having spent more than 20 years each, we all once we departed from the Tata Hospital, we formed the group and started practicing as a group. Tata Hospital se bahar nikle to hame pata chala ki हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, अमीर लोगों का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है कि पैसे ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, जिनके पास पहुंच ना हो, तो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। टाटा हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक जगह आप बैठते हो तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, लोग आपके पास आ जाते हैं और जो ज़रूरत होती है, जिनकी जो पहुँच होती है, वैसे ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। तो लोगों की जब तकलीफ़ हमने देखी तो हमें पता चला और हमें ये जानने लगे कि हमें ऐसी इंस्टीट्यूशन एक जो बननी चाहिए कि जो खुद भी खड़े अपनी जगह पे भी खड़ी रहे और बाहर भी जाए और उनके पास जाके उनका इलाज करे। कैंसर का जब डायग्नोसिस होता है तब बहुत दुख की बात होती है, जैसे कि ये समझ लीजिएगा कि ये सारे फैमिली के लिए एक तकलीफ़ हो जाती है, साइकोलॉजिकल तकलीफ़ होती है, फिज़िकली तकलीफ़ होती है, पैसे से तकलीफ़ है, सोशली तकलीफ़ है। तो इसमें जो हम मदद करते हैं या जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत कॉम्प्रेहेंसिव यानी बहुत सारे फ्रंट्स पे हमें इसमें लड़ना पड़ता है। तो ये एक आदमी का काम नहीं होता, आप एक आदमी होके क्या कर सकते हो, इंजेक्शन लगा सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो या किसी का हाथ पकड़ के उसका दुख कम कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर है कि आपकी टीम अच्छी बननी चाहिए और पूरे इंस्टीट्यूट के सहारे ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट बम्बई में बनी, ये बनी वहाँ पे 2002 में, 15 साल पहले बनी, और उसके बाद में आज वहाँ पे वो 15 साल से काम कर रही है। दो तीन साल से पहले जब हमने सुना कि एमरी हॉस्पिटल जो ग्रुप है, इनके 5-6 हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर कलकत्ता में है, और एक उनका सबसे बड़ा जो है, जो शोपीस जो कहते हैं, जो लीडिंग जो हॉस्पिटल है इनका सबसे बड़ा, वो भुवनेश्वर में है। इतना 350-400 बेडेड जो हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाया है, तो ये इंटरनेशनल स्तर का बना हुआ है, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने बना हुआ है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स आके बनाए गए हैं। तो इनको यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा प्रस्तुत नहीं थी और हम कैंसर का इलाज करने में एक्सपर्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक बार मिल चुके और बाद में ऐसे हमारा ये कोएलिशन का जो कोलैबोरेशन का प्रस्ताव आया और हमने एक साल पहले ये इंस्टीट्यूट यहाँ से शुरू कर दी। वैसे ये इंस्टीट्यूशन एक्चुअली शुरू हुई है मार्च 2016 में, लेकिन एक्चुअली हमने जो काम मेजर काम शुरू किया वो जून 2016 से, तो जुलाई में अभी एक साल इसका कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे मैंने सैकड़ों मरीज़ यहाँ से इलाज लेके गए हैं, रिजल्ट्स सेम है जो बम्बई में रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत कम है और पेशेंट्स को, मरीजों को उनका इलाज उनके घर के पास मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ये एमरी जैसे एक बहुत ही बढ़िया जो हॉस्पिटल चेन है, जो बहुत एक्सपीरियंस चेन है, बहुत माहिर है, प्रोफेशनल है, ऐसे इनके सहारे से हम ये इलाज हम कर सकते हैं, ये हमारा भाग्य है। तो एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट ये जो है ये हमेशा के लिए यहाँ से कार्यरत रहेगी और ड्यूटी रहेगी और ओडिशा और आसपास वाले मरीजों को इलाज देती रहेगी, ये हमारा यहाँ का वादा है। धन्यवाद।